ज्ञान मंथन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी के विवाह का रहस्य। संकट मोचन हनुमान जी के ब्रह्मचारी रूप से तो हम सभी परिचित हैं, उन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था और उनका उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी है जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश के खम्भ जिले में बना हनुमान जी का यह मंदिर काफी मायनों में खास है। खास इसलिए कि यहाँ हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुरवर्चला के साथ विराजमान है। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे और वाल्मीकि कंभ सहित किसी भी रामायण और रामचरितमानस में भी बालाजी हनुमान जी के इसी रूप का वर्णन मिलता है, लेकिन पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का भी उल्लेख मिलता है। इसका सबूत है आंध्र प्रदेश के खम्भ जिले में बना एक खास मंदिर जो प्रमाण है हनुमान जी की शादी का। यह मंदिर याद दिलाता है कि रामदूत के उस चरित्र का जब उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि भगवान हनुमान श्री बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वो बाल ब्रह्मचारी भी थे। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुरवर्चला के साथ विवाह के बंधन में बंधना पड़ा। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वो मानने को राजी ही नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वो धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहां से वह मिलेगी इसे लेकर सभी चिंतित थे। ऐसे में सूर्य देव ने अपने शिष्य हनुमान जी को राह दिखलाई। सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुरवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुरवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। पराशर संहिता में तो लिखा है कि खुद सूर्यदेव ने इस शादी पर यह कहा था कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य प्रभावित नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप ऐसे ही आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।